अर्से चतुर्थी लग रही है, तलसिक नियम लेना, शमी की वृक्ष की प्रति, जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक करेजी महाराज और ये बाबा भोलेना, इन दोनों को शमी समर्पित। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, बिष्टता, शामरी बारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बहन। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल मीजे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन स्मरण कर रहा है और तल से एक चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी बढ़ती हो, बीमारी या ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती जहां गणेश जी का स्थान है, वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका कोई था जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर तो दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रीति सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर पर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको पता ना चले, करके देखो। एक कुछ नहीं आता, शिव महापुराण का मूल मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, सब बोलो, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर डमरू वाला भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख